तक आपने हिंदी की पुस्तक आरोह की आरोह का अभ्यास किया, उसी से उसकी पूरा पुस्तक वितान उसमें पाठ एक देखिए सेवन पेंडिंग जब सेक्शन ऑफिसर वाइट टी यशोदर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही स्वस्थ ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने दिन के 10 के बदले हुए राशन में से 7वीं सिगरेट लगाई और एक निगाह अपने माथे पर डाली तो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर में सुस्त व्यवहार का निराकरण कर जाने की प्रसादानंद किस्नदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी स्वस्थ हो गई है। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए और नए छोकरे चड्डा ने जिसकी चौड़ी मोरी वाली पतलून और ऊंची रड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इंप्रॉपर मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सीखी एक एजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चुनेदारी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। पंत जी ने चड्डा की दृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की दृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोदर बाबू ने छोड़ दिया। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किस नदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देख कर वह बोला, बाबा आदम के जमाने की है, बड़े बाबू यह तो आप तो डिजिटल ले लो एक जापानी, इस गर्ल सस्ती मिल जाती है। इससे संबंधित प्रश्न नंबर एक, सेक्शन ऑफिसर की कलाई की घड़ी तथा कार्यालय की घड़ी में समय का अंतर कितना है, उत्तर में 5 मिनट का। प्रश्न नंबर दो, कर्मचारियों में सेक्शन ऑफिसर ने ऐसा क्यों कहा होगा कि कार्यालय की घड़ी उनका ही अनुसरण कर रही है, उत्तर में सामान्यतया कार्यालय का समय 5 बजे का है लेकिन कर्मचारी इसलिए बैठे हैं कि उनका अधिकारी 5:30 तक स्वयं ही कार्यालय में बैठा है, उनका कार्यालय में चले जाना ऐसी स्थिति में आचार संहिता के प्रतिकूल होगा। प्रश्न नंबर तीन, असिस्टेंट ग्रेड के कर्मचारी चड्डा ने चुने दानी कहकर इसे संबोधित किया, उत्तर साहब की कलाई घड़ी को। प्रश्न नंबर चार, असिस्टेंट ग्रेड के कर्मचारी ने सेक्शन ऑफिसर को क्या सलाह दी, उत्तर में वह बोलने लगा कि सेक्शन ऑफिसर आदम के जमाने की घड़ी छोड़कर जापान की तस्करी से लाई गई एक घड़ी पहना करें। होमवर्क में प्रश्न नंबर एक से प्रश्न नंबर चार तक याद करना।